नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबू पांडे और आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर प्रकार से टेक्निकल वीडियो नॉलेज, मोबाइल टेक्निक, अनेक प्रकार के ऐप को आप समझ पाए और उसको जान सकें और आराम से यूज कर सकें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए और मन करे तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दे, जिससे आपको और अच्छा लगे सुनने और समझने में। तो सबसे पहले आपको बताएंगे जो आपने थंबनेल में पढ़ा है। थंबनेल में क्या पढ़े दोस्तों, जैसे कि आप कभी फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन नहीं लगता, नेटवर्क बताता है नेट चलता है, लेकिन नेट भी स्लो चलता है और फ़ोन बिल्कुल नहीं लगता, आता भी नहीं, और इसके पीछे काफ़ी रीजन छुपा रहता है। आप काफ़ी लोगों को दिखाते हैं, वो भी नहीं समझ पाता और काफ़ी प्रकार के ऐप को दर्शाते हैं। जैसे कि यूट्यूब में आप सर्च करते हैं कभी कभी कि हमारा फोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसमें काफ़ी प्रकार के वीडियो आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक सर्च करें जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके पीछे हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। एक वीडियो से आप अपने मोबाइल के कॉल को कभी नहीं रोक पाएंगे, आपका कॉल निरंतर आता रहेगा और जाता रहेगा। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी जरूरी होगी, जो सेटिंग में है। सेटिंग में सबके सेटिंग में होता है, 4G मोबाइल के हर सेटिंग में होता है और 4G के ऊपर सभी सेटिंग होती है, तो 4G के नीचे भी होती थी लेकिन काफ़ी कभी मोबाइल में नहीं होती, लेकिन अब जो मोबाइल आ रही है सब मोबाइल में वो सेटिंग मौजूद रहती है। तो आपको बताते हैं एक ऐसी टेक्निक जो आप जानकर बहुत ही खुशी महसूस करेंगे, जिससे आपको वो सेटिंग करने के बाद कभी भी आपका ना डेटा कम चलेगा, ना कुछ भी कॉल रिसीव करने में दिक्कत होगी, या वहाँ पर आउटगोइंग इनकमिंग कभी नहीं बंद होगी। देखिए दोस्तों, इसमें ना रिचार्ज करने की प्रॉब्लम ना कुछ, कि आप सोचे कि रिचार्ज से ये प्रॉब्लम होती है, रिचार्ज से नहीं दोस्तों, ये आपके मोबाइल की सेटिंग्स होती है। काफ़ी काफ़ी मोबाइल में होती है तो बार बार बैटरी निकालते हैं, लेकिन अब बैटरी जो अंडरग्राउंड हो रही है तो वहाँ पर काफ़ी लोग इसमें और दिक्कत खाते हैं, कैसे बैटरी को निकालें और सिम को सही करें, और पिन वाले सिम से वो काफ़ी दिक्कत सॉल्व नहीं होती है और सिम बार बार निकालते हैं, उसी पर सिलेक्ट करते हैं और कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। तो इसके लिए हम ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए और ज़्यादा समय गवाए हुए हम आपको एक सेटिंग बताते हैं जिससे आप सक्सेसफुल पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन चूज करना होगा। चूज करने के बाद तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाएंगे, तो इसमें आप भी कुछ नहीं समझ पाए कि इसमें क्या करें। तो मोड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर VPN पर क्लिक करना, तो VPN यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ आप ही रहने दीजिए, जिससे आपको कुछ और दिक्कत ना होती। यहाँ पर इस वाले सेटिंग पर जाने के बाद आप ये ही क्लिक करें, से डाटा प्लान, डाटा प्लान आपका ये होना चाहिए, इतना इतने क्लिक हैं यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ऑन कर रही है, आपका MI है तो ऐसे ऑन कर रही है। देखिए दोस्तों, फिर से दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको नेटवर्क स्पीड चेक करना है तो यहाँ पर ये वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद हम दिखाते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं एकदम, मतलब आपका ये सेटिंग बोल्ट इनेबल्ड। आप कर रहे होंगे कि आप, हम तो पूरा जान के वीडियो को आप स्किप कर रहे होंगे, काफ़ी लोग स्किप कर चुके होंगे हमारे वीडियो को, लेकिन आप स्किप मत के दोस्तों, इसके आगे भी हम आपको काफ़ी सारे डालने को बात बताएंगे। वीडियो तो एक बनाते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें काफ़ी टिप्स रहते हैं, और अगर टिप्स किसी को नहीं समझ में आती है तो हम अलग अलग टिप्स बनाते हैं, तो इसके लिए इसमें काफ़ी सारे टिप्स हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दें, हम दूसरा अलग से टिप्स उसका अकेले ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल्ट इनेबल्ड है, तो यहाँ बोल्ट में आपको इनेबल मतलब क्लिक करना होगा, उसको ऑन करना होगा, इससे ये फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आप कह रही हैं तो एयरटेल और वोडाफोन में तो काफ़ी दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन जो जियो फोन लिए हुए हैं इनके नेटवर्किंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जियो फोन अभी सक्सेसफुल वहाँ से नहीं हुआ है। जियो टावर अब तो शुरू हो रहे लगने, लेकिन अभी तक नहीं लग रहे थे, वो एयरटेल के नेटवर्क से कनेक्ट थे, जो कि बोल्ट इनेबल्ड करने पर वो 4G नेटवर्क से लॉगिन होते हैं। तो इसके लिए आपको बोल्ट इनेबल करना होगा, जिससे वो सभी दिशाओं से नेटवर्क ऑब्जॉर्व कर सके और आपको अच्छे नेटवर्क दे सकें और अच्छी स्पीड दे सकें। ध्यान रहे दोस्तों, जियो को फ़ोन में ऑन करेंगे तभी चलेगा, और सभी सिम में, मतलब कि जैसे कि जियो को छोड़कर सभी सिम में आप कर रहेंगे तब भी चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको
यहाँ पर जियो सिम अगर आप अपने मोबाइल में लगाए हुए हैं या उसको यूज कर रहे हैं नेट को, तो यहाँ पर बोल्ट इनेबल करना होगा, मतलब कि इसको ऑन करना होगा, जिससे आपका नेटवर्क और आपका नेट और आपकी कॉल सेटिंग पूरी ऑन चलती रहे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑन करना हो जरूरी है। जियो सिम लगाए हैं तो ऑन कर रही है, अगर जियो सिम नहीं लगाए हैं तो आप भी होगा तो आपका अच्छा चलेगा। तो काफ़ी लोग इसमें दिक्कत करते हैं, एक में ऑन रहेगा, देखिए दोस्तों इसको समझिए, एक में अगर ये बोल्ट ऑन है दूसरे में ऑन नहीं है तो इसमें दिक्कत होती है, पहले में सिम नहीं चलेगा दूसरे में सेट करेंगे चलने लगेगा। इससे काफ़ी लोग समझते हैं कि हमारा सिम स्लॉट ही खराब हो गया है, तो वो सेटिंग पे नहीं जाएंगे और दुकान पर लेकर पहुंच जाएंगे, जिससे वो 250 रुपये 500 रुपये गवा देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग चेक करना होता है, सेटिंग चेक कर लें तो आपको न दुकान में जाने की ज़रूरत न कहीं किसी के पूछने की ज़रूरत, सिर्फ एक सेटिंग से आप अपने मोबाइल खुद ही सेट कर सकते हैं। तो बोल्ट इनेबल करने के बाद आप सक्सेसफुल कॉल कर सकते हैं और नेटवर्क भी 4G की स्पीड से चला सकते हैं और चाहे जहाँ भी। तो इसके लिए आपको यहाँ बोल्ट इनेबल करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा डाटा रोमिंग दिखाता रहे, समय समय पर हमारे डाटा को जितने वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब कि घट रहे हैं, वहाँ पर हमको नोटिफिकेशन देते रहे 50% पहुँच जाए, 100% पहुँच जाए, 150%, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे कि आपका डाटा इतना ख़त्म है, इतना बचा है। तो आपको यहाँ पर सेट डेली डाटा लिमिट वेन रोमिंग यहाँ पर सेट करना होगा। अगर आप इसको भी ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और तो हाँ दोस्तों, अगर हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बता सकें तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है आगे ही वीडियो में, एक वीडियो इसके बाद आएगी जिसमें और भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अनेक प्रकार के सभी वीडियो टेक्निकल से वीडियो मिल सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I'm not afraid to die.